Let's call it in the crossfire. What is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ हैचबैक कार्स की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज। इस ऑफरोड वाली सीरीज में इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं हैचबैक्स के लिए, जैसे स्विफ्ट, टियागो, i20 और बहुत सारी दूसरी कार्स। ये गाड़ियाँ ऑफरोड के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई हैं, पर अगर ड्राइवर के पास अच्छे स्किल्स हों तो आपको थोड़ी बहुत ट्रिकी सिचुएशन से ये निकाल सकती हैं। इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा एल्ट्रोज और ह्यंडई i20 की ऑफरोड कैपेबिलिटीज देखने वाले हैं। अगर आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर कार ही देखनी है तो स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं मैंने, आप डायरेक्ट उस कार के सेक्शन पर जा सकते हैं। दूसरी हैचबैक कार्स की भी वीडियो आएगी आगे वाले पार्ट्स में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस कार के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की ट्राई करूँगा। हैचबैक्स सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव और काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती हैं, तो इनमें ऑफरोडिंग करना मुश्किल होता है। अगर न्यू ड्राइवर्स अपनी कार को ऑफरोड ले जाते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है और कार फंस भी सकती है, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। पर अगर ड्राइवर के स्किल्स अच्छे हैं तो लाइट ऑफरोडिंग इनमें की जा सकती है, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक की क्लिप देखेंगे, जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। यहाँ पर गाड़ी एक गहरे कीचड़ वाले रोड को पार करने का ट्राई कर रही है। सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पर एक दो ट्राई में उस पार निकल ही जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर व्हील फंस जाता है तो परेशानी हो सकती है। अब हम एक टग ऑफ वॉर देखेंगे ह्यंडई सैंट्रो और स्विफ्ट के बीच में। शुरुआत में तो सैंट्रो खींच लेती है क्योंकि स्विफ्ट ने अब तक अपना पावर नहीं यूज़ किया, पर जैसे ही स्विफ्ट पुल करना चालू करती है तो वह सैंट्रो को आसानी से खींच लेती है। अब हम कार को एक नदी को पार करते हुए देखेंगे। एक हैचबैक के लिए इतना डीप पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छे स्किल्स हों तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर इतनी बढ़िया तरीके से स्पीड मेंटेन करते हुए गाड़ी को स्नो में चला रहा है और यहाँ तक कि ड्रिफ्ट भी कर रहा है। स्नो के जैसे सैंड में भी स्विफ्ट काफ़ी अच्छे से चलती है। यहाँ पर गाड़ी इंक्लाइन चढ़कर डिक्लाइन भी उतरती है, वो भी सैंड में बिना ज़्यादा दिक्कत के। अब लद्दाख जैसे मुश्किल जगहों पर भी ये गाड़ियाँ जा सकती है, पर SUVs जैसे आप बिना टेंशन के स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। स्विफ्ट में सिर्फ 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से गाड़ी को बहुत ही संभाल कर स्लोली ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पर तो स्विफ्ट को डर्ट ट्रैक पर भी रेस करवाया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में इन गाड़ियों का क्या हाल होता है। अब हम एक ड्रैग रेस देख लेते हैं स्विफ्ट और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच। स्कॉर्पियो वो कार है जो अपने से महंगी SUVs को भी हरा देती है रेस में, पर यहाँ स्विफ्ट ने स्कॉर्पियो को ही हरा दिया। पावर टू वेट रेशियो स्विफ्ट के काम आया इस रेस में, जिसके मदद से वो स्कॉर्पियो को हरा पाती है। एंड तक भी अपनी लीड मेंटेन रखती है और गाड़ी रेस जीत जाती है। अब हम इंडिया की सबसे बेस्ट लुकिंग और सेफेस्ट हैचबैक की कैपेबिलिटीज़ पर नज़र डालते हैं। स्विफ्ट के जैसे ही
इसमें भी सिर्फ 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो इसकी कैपेबिलिटीज़ को लिमिट कर देती है। पर टाटा ने सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया सेफ्टी ऑफर करती है, वो भी 5 स्टार्स के साथ। अब हम इस कार की ऑफ रोड क्लिप्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर गाड़ी को पानी और कीचड़ वाले रोड को क्रॉस करते हुए हम देखेंगे। इस क्लिप में एल्ट्रोस को एक पत्थरों वाला स्लिपरी इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। एक हैचबैक के लिए ये चढ़ पाना काफी इम्प्रेसिव है। अब कार को एक डिक्लाइन उतरते देखेंगे, जहां पर गाड़ी का पिछला व्हील हवा में भी चला जाता है, पर फिर भी बिना ज़्यादा दिक्कत के अपना बैलेंस बनाए रखती है गाड़ी और नीचे उतर जाती है। अब कार की वाटर क्रॉसिंग देख लेते हैं। पानी नंबर प्लेट तक भी चला आता है, पर गाड़ी चलती ही रहती है। यहाँ पर गाड़ी को एक पतले रास्ते पर इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। रोड का एंगल स्टीप है, पर एल्ट्रोस को कोई परेशानी नहीं होती। अब हम Hyundai i20 की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज देखेंगे। इस कार को रिसेंटली अपडेट किया गया था 2020 में, और लुक्स को भी काफी चेंज किया गया था पिछले मॉडल से। इसमें 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए तो ठीक ठाक है, पर ऑफरोडिंग में शायद कम पड़ सकती है। पहली क्लिप में हम फोर्ड एस्पायर को एक सैंड में इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। गाड़ी बीच में ही अटक जाती है और ऊपर नहीं पहुंच पाती। अब i20 को भी सेम इंक्लाइन अटेम्प्ट करते देखेंगे। एक दो ट्राई में ही बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ जाती है गाड़ी। अब इंक्लाइन के बाद एक काफी स्टीप डिक्लाइन भी देख लेते हैं। यहां पर गाड़ी एक छोटे पहाड़ से नीचे आती है। एंगल काफी स्टीप है, पर i20 बिना किसी दिक्कत के नीचे चली ही आती है। अब हम एक ड्रैग रेस देखेंगे न्यू i20 और एल्ट्रोस के बीच। शुरुआत से ही i20 बहुत एग्रेसिवली पुल करती है और एल्ट्रोस को पीछे छोड़ देती है। दोनों के बीच गैप बढ़ती ही जाती है। एल्ट्रोस को मौका तक नहीं मिलता ओवरटेक करने का। यहाँ पर i20 को एक फ्लडेड रोड को पार करते हुए देखेंगे। बीच बीच में पानी गाड़ी के हेडलाइट तक भी चला आता है, पर वो बिना रुके चलती ही जाती है। इस क्लिप में i20 को स्लिपरी स्नो में चलते हुए देखेंगे। सैंड में भी गाड़ी जा सकती है, पर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आसानी से फंस भी सकती है। i20 में अच्छा पावरफुल इंजन मिलता है, जिसकी मदद से आप ऐसे डोनट्स भी कर सकते हैं। अब i20 को उसी सेम ऑब्स्टिकल को पार करते हुए देखेंगे, जहां से पहले स्विफ्ट गई थी। थोड़ी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के मदद से i20 काफी आसानी से पार कर लेती है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। Hyundai इस कार से रैली रेसेस में भी पार्टिसिपेट करती है मॉडिफाइड i20 के साथ।
इन रेसेस में गाड़ी को कुछ बहुत ही मुश्किल ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं। अब हम एक ड्रैग रेस देखेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ह्यंडई i20 के बीच में। एल्ट्रोस जैसे ही शुरुआत से स्विफ्ट को पीछे छोड़ देती है i20 और दोनों के बीच गैप बढ़ती ही जाती है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी कार की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा पसंद आई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा एल्ट्रोस या फिर ह्यंडई i20। ये सारी चीज़ें आप अपनी गाड़ी से ट्राई मत करना अगर पता नहीं हो कि क्या कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूं जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में।